हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे थे एक्सरसाइज 5.2। कल मैंने आपको बताया था मॉडल्स के बारे में और आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है। मॉडल्स क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो देखो, जेड अगर एक्स प्लस आयटा वाई अगर अपने को ऐसा कुछ दे रखा हो तो उसका मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस आयटा के साथ वाले यानी वाई का स्क्वायर। ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। क्या होता है? मॉडुलस। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है वाई का मोड अपॉन एक्स का मोड। क्या होता है? वाई का मोड अपॉन एक्स का मोड। और थीटा की वैल्यू क्या होती है? अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो थीटा वैसे का वैसे आएगा। अगर x नेगेटिव है, ये x, ये y, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो ये जो आंसर आएगा वो पाई माइनस थीटा आएगा, क्योंकि पूरे एंगल की वैल्यू पाई होती है। क्या होती है? पाई। और अगर x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है तो एंगल नीचे, जस्ट इसके नीचे क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। और अगर इसमें आती है तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको टेबल याद रखनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। माइनस वन माइनस आयटा रूट थ्री, माइनस वन माइनस आयटा रूट थ्री, ये अपने को दे रखा है जेड। तो पहले इसका निकालो मॉडुलस। x की वैल्यू बताइए क्या है? माइनस वन। और y की वैल्यू क्या है अल्टा के साथ में? माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो पहले कंपेयर करके, इस इक्वेशन से कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे इसका मॉडुलस। क्या निकाल रहे हैं? इसका मॉडुलस। तो देखो, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं तो क्या होता है? माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। तो ये बन जाएगा क्या? फोर। तो इसका आंसर आ गया अपने पास टू। क्या आ गया? टू। तो ऐसे अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं, यानी अपने को x का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस y का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे, इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है? y का मोड अपॉन x का मोड। y क्या है? माइनस रूट थ्री। मोड का मतलब जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और x का मोड यानी, तो ये आ जाएगा रूट थ्री अपॉन वन, यानी आ गया रूट थ्री। क्या आ गया? रूट थ्री। अब मेरे को बताइए, ये जो रूट थ्री है वो आपने टेंथ में पढ़ा होगा 60 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 60 से। तो 10 से 10 कैंसिल होके थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। कितनी आ गई? 60। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चेंज हो जाता है रेडियन में। 60 से कैंसिल 3 पे, तो पाई बाय 3 आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू एक बार तो आ गई पाई बाय 3। कितनी आ गई? पाई बाय 3। बट रियल में थीटा क्या है? पहले क्वाड्रेंट देखते हैं। नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? ये देखिए, इस क्वाड्रेंट में है ना, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होएगा वो होएगा माइनस पाई माइनस थीटा। तो माइनस पाई की वैल्यू अपने थीटा की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, तो पुट कर दीजिए पाई बाय 3 है। माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम लेकर 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाय 3। इसका आंसर आएगा क्या? आएगा माइनस का
टू पाई बाय थ्री इसका आंसर आएगा। तो ऐसे अपने को निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। क्या निकालना है? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है क्या? बिल्कुल इजी सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ये टेबल याद रखनी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्या? माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा। तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या है? माइनस रूट थ्री, और वाई आयोटा के साथ कोफिशियंट क्या है? वन। अब अपने जेड का मॉडुलस निकालते हैं, तो माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्या? थ्री प्लस वन, तो ये आ गया फोर, यानी इसका आंसर तो आ गया टू। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही था, सेम टू सेम। ठीक है, अब अपने निकालना है आर्ग्यूमेंट, यानी माइनस रूट थ्री का मोड, इसका मोड अपॉन इसका मोड, यानी वाई का मोड अपॉन इसका मोड, तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। नेगेटिव साइन तो खत्म ही कर देने हैं, वाई वन है, ये रूट थ्री है, तो ये अब बताओ कितने डिग्री पे था? थर्टी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थर्टी। अब इसको रेडियन में भी चेंज करना है, क्योंकि आंसर सारे रेडियन में दे रखे हैं, तो ये कैंसिल होके आ गया सिक्स, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय सिक्स। अब मेरे को बताइए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां होगा? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, देखो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो जो आंसर आएगा आर्ग्यूमेंट वो क्या आएगा? पाई माइनस थीटा आएगा। क्या आएगा? पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू ये है, तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ये इसका आंसर आ गया फाइव पाई बाय सिक्स। तो इस तरह आपको आर्ग्यूमेंट और ये सब निकालने हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। जैसे मान लो आपको जेड ये दिया हुआ है माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, पहले निकालना है एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस रूट थ्री, वाई की वैल्यू आ गई वन आयोटा के साथ हले। अब निकालना है इसका मॉडुलस, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और वन का स्क्वायर वन, तो थ्री प्लस वन कितना हो गया? फोर, और फोर का रूट कितना होता है? टू। ये आ गया मॉडुलस। दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है मॉडुलस, एक निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है वाई अपॉन एक्स। क्या होता है? वाई अपॉन एक्स। आया कैसे ये वाई अपॉन एक्स? क्योंकि अगर जैसे ये पॉइंट, जैसे ये एक्स कोमा वाई, तो यहां से तो डिस्टेंस होती है एक्स, यहां से डिस्टेंस होती है वाई, तो ये थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है वाई अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स पे ले रहे हैं। ठीक है, तो वाई की वैल्यू वन, इसकी वैल्यू रूट थ्री, तो ये टेन थर्टी पे होती है, थीटा की वैल्यू थर्टी। अब इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, अब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए पाई माइनस पाई बाय सिक्स, बिल्कुल इजी सा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आर्ग्यूमेंट प्लस मॉडुलस आप दोनों मुझे करके दिखाएंगे। फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये सारे आप एट तक आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे आप करके दिखाएंगे। थैंक यू।